फिलहाल मैं उतर गया हूँ यहाँ पे इस स्टॉप के पास, बाजार करके एक स्टॉप है, क्योंकि यहाँ से हमारा जो अपार्टमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो यहाँ से बस चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक मॉल है और कुछ यहाँ पे छोटा सा शॉपिंग, स्ट्रीट शॉपिंग वाला कुछ लग रहा है। तो मैंने सोचा कि लग रहा है कुछ अलग ही वाइब दे रहा है, कुछ अलग एक्सपीरियंस दे रहा है। ये जूते देखिए, यहाँ पे कुछ सॉक्स वगैरह, यहाँ पे कुछ टी शर्ट्स वगैरह है। बहुत ही अलग इम्प्रेशन, बहुत ही अलग वाइब, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इट्स गुड, डेफिनेटली उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो पूरा पूरी जो कंट्री है, पूरा जो एरिया, बहुत ही प्यारा है, प्यारे लोग हैं, प्यारी जगह है, और ठंडी में बहुत अच्छा है। रोड्स की बात, रोड्स की कंडीशन, यहाँ के लोग बहुत, और इंडिया का नाम सुनते ही तो बहुत ही प्यार उमड़ता है उनको। तो ये देखिए बस सर्विस, देखिए लुक दिस बस, बहुत ही बड़ी वाली बस जा रही है। एक अलग सा फील दे रहा है, आप देख सकते हो कि कितनी डेवलप कंट्री है। मतलब करेंसी में भले हमसे पीछे है, लेकिन डेवलपमेंट और रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन, और आप क्लीनिंग देखिए, सब सिस्टमेटिक चल रहे। हॉन्किंग का कुछ नहीं है, कुछ लाउडनेस नहीं है। माय फ्रेंड समवेयर ट्राइंग द परफ्यूम, हाउ वाज द परफ्यूम? इज नाइस, बट वी डोंट नो हाउ लॉन्ग वी विल स्टे। ओह, सो लॉट्स ऑफ परफ्यूम्स आर हियर, बहुत सारे परफ्यूम है यहाँ पे। कीवी, कीवी वाला भी परफ्यूम है, स्पाइंग परफ्यूम। तो ये यहाँ पे छोटा सा स्ट्रीट लग रहा है, तो अभी तो फिलहाल यहाँ पे रुके हैं, तो ऐसे ही रैंडमली चेक कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे रुके, तो थोड़ा सा कैंप वगैरह ले लेते, डिफरेंट काइंड ऑफ। हाउ मच? तो लैंग्वेज बैरियर का बहुत प्रॉब्लम। दिस गुड। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे शॉपिंग कर रहा हूँ, मतलब बस से जस्ट इमिग्रेशन क्रॉस करके बॉर्डर से आया ना, छोटा सा बाजार था, ये मैंने कैब ली 3000, सो मतलब आप अंदाजा लगा दीजिए यार, 40-50 रुपीज़ कर रहा हूँ, इतना चीप है ना ये सिटी। मैंने सुना था कि वर्ल्ड चीपेस्ट कंट्रीज उज़्बेकिस्तान, लेकिन आज मैंने देख भी लिया और ये मैंने खरीद भी लिया। और देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये मिलियंस में है, मतलब ये 1,00,000 का नोट है, 1,00,000 सोम। इंडिया यहाँ पे देखो, ये सब है पफ वगैरह, यहाँ पे समसा बोलते हैं, समसा, और लॉट्स ऑफ बड़वई, आप पूछ के लीजिए, क्योंकि डेफिनेटली बहुत सारे यहाँ पे मीट और चिकन वगैरह रहेंगे। हेलो, तो क्या खा सकते क्या नहीं, यहाँ पे मुझे लग रहा है ये डेफिनेटली कोई चीज़ वेजिटेबल्स है, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हो तो बस पूछ के लीजिए, कन्वर्जेशन करके लीजिए। इट्स अ पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा, ओह हेलो, व्हाट्स योर नेम? मुजफ्फर, हाय मुजफ्फर, माय नेम इज राकेश, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। फूड की बात करो, देखिए 5000 सोम है, करो तो 30-35 रुपीस का कुछ ये एक पीस रहेगा, तो अगर आपको खाना है तो ट्राई कर सकते हो, बट वही वेज नॉन वेज मीट का क्लेरिफाई कर दीजिए। थोड़ा सा टेस्ट किया, बहुत ही अच्छा लगा, स्वीट वाला है, जैसे अपने वहाँ स्वीट बन मिलता है, अंदर से क्रीम निकलता है, वैसा ही है। तो अभी बजे है 10:30 और फाइनली तो काफ़ी टाइम पहले मैं पहुँच गया था, एंटर हो चुका था उज़्बेकिस्तान ताशकंद, इमिग्रेशन वगैरह प्रोसेस किया, वहाँ से थोड़ा सा जो बुकिंग किया था उसने थोड़ा सा धोखा दे दिया, तो इधर उधर घूमते घूमते फाइनली अदर जगह पे गए, बस पकड़ी, टैक्सी पकड़ी, ऐसे घूमते घूमते कुछ दोस्त के साथ पहुंच गए, फ्रेश हुए, और अभी थोड़ा सा बाहर निकले हैं वॉकिंग करने के लिए। व्हाट आर यू डूइंग मैन? मोहब्बतें। ये सिग्नल अभी चालू है, अभी क्लोज हुआ जस्ट, और ये देखिए कितना डिस्टेंस है,
एक मतलब ये पूरा गैप था वॉकिंग करने के लिए, सिर्फ इतनी सिग्नल और गाड़ी इतनी अच्छे से चल रही है, रोड्स आर क्लियर और सिग्नल का यूज़ अच्छे से हो रहा है। तो अभी निकले हैं खाना खाने, कल निकलेंगे ताशकंद घूमने के लिए, कैसा यहाँ पे रहता है और कुछ रूल्स से मैं कल ही बात करूँगा क्योंकि मैं उस प्रोसेस से अभी गुजरा नहीं हूँ। तो मैं बोल देता हूँ उज़्बेकिस्तान में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है फॉर टूरिज्म टूरिस्ट, तो मैं कल वो करूँगा, तो देखता हूँ कैसा एक्सपीरियंस रहता है और क्या रिक्वायर्ड रहता है। तो ऐसी इलेक्ट्रिक यहाँ पे बाइक मिल जाएगी तो आप रेंट कर सकते हो। ये ओपन या क्यूआर कोड स्कैन हियर, स्कैन टू राइड या मे बी दिस ऐप इजी IZZY, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके आराम से स्कैन करके पे करके घूम सकते हो। इससे बहुत अच्छे सिस्टम है ये, अपने वहाँ तो साला शायद कोई लेके चला जाएगा। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी जाने से पहले यहाँ पे काफ़ी लोगों ने कुछ मैसेजेस लिखे तो मुझे भी एक मैसेज लिखना था, तो ये है सभी के लिए मेरा मैसेज, आप अपने कमेंट में बताइए। हेलो, सो अभी फ़िलहाल मैं निकल रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा लोकल बाजार टूर करेंगे। भाई यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा कि अगर आप उज़्बेकिस्तान में आते हो तो आपको एक टूरिस्ट रजिस्ट्रेशन चाहिए। अगर आप 3 दिन से ज़्यादा स्टे करते हो तो आपको कंपलसरी है। अगर आप उज़्बेक एग्ज़िट करते हो तब आपको इमिग्रेशन में आपको वहाँ पे पूछेंगे कि आपके पास वो रजिस्ट्रेशन है या नहीं, सो यू वांट दिस। तो फ़िलहाल मैं जहाँ पे पहले रुका था वहाँ से मैंने रजिस्ट्रेशन ले लिया है, तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं करेगा फॉर टूरिज़्म जब मैं एग्ज़िट करूँगा, तो ये आप ध्यान रखें। बाकी फिलहाल अभी बारिश का थोड़ा सा मौसम हो चुका है। सुबह फिलहाल निकल पड़े हैं यहाँ से, वॉकिंग एरिया में ही मेट्रो है और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, हल्का सा बारिश है, स्नो नहीं लेकिन ठंडा बहुत है, ठंडी हवा है, अलग ही एक वाइब, अलग टेक्सचर, अलग कंस्ट्रक्शन, थोड़ा सा यूरोपियन वाला फील आ रहा है, थोड़ा सा मिडल ईस्ट। अभी अगर टाइम की बात करो उसका दोपहर के 2:15 बजे, लेकिन वेदर देखिए बहुत ही अलग हो चुका है। जैसे मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन का आप प्लीज़ ख्याल रखिए कि उज़्बेकिस्तान में उज़्बेकी टूरिज़्म में आप ऑनलाइन भी कर सकते हो या फिर जहाँ होटल हॉस्टल या जहाँ पर भी रुके हो वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन वो बोलेंगे। अगर नहीं बोलते आप 3 दिन से अगर ज़्यादा रुकने का प्लानिंग है डेफिनेटली आप आओगे तो रुकोगे, तो रजिस्ट्रेशन आप ले लीजिए, आपका एंट्री हो जाएगा गवर्नमेंट के साथ। जब आप एग्ज़िट करते हो तो इमिग्रेशन में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, पूछेंगे नहीं पूछेंगे मुझे नहीं पता, बट मस्ट कैरी। तो निकलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, पहले जाते हैं यहाँ पे लोकल बाज़ार में और उसके आसपास थोड़े से कुछ विजिटिंग प्लेसेस है। ऐसा लग रहा है सुबह के 7-8 बजे टहलने निकले हैं, काफ़ी क्लीन, काफ़ी शांत। अभी जो एरिया में मैं रह रहा हूँ उसे वॉक करके जा रहा हूँ, इतना प्यारा एरिया है, मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ का सीन बताया लेकिन सच में इतनी शांति है और कुछ अलग ही हल्का हल्का बारिश वाला मौसम है, ठंडा सा मौसम है, बहुत ही डिफरेंट। मतलब मैं अभी तक यूरोप में तो नहीं घुमा हूँ लेकिन जितने मैंने कुछ वीडियोस और फुटेजेस देखे काइंड ऑफ वैसा कुछ लुक आ रहा है, काफ़ी डिफरेंट। सो नीचे की साइड है मेट्रो और यहाँ पे कुछ ऐसा बोलते हैं मेट्रो स्टेशन को कॉस्मोना, प्रोनाउंसेशन नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन आप देख सकते हो, तो देखते हैं क्या टिकट रहती है वहाँ पे। मे बी तो सेम लाइक बस में जो 2000 सोम है वैसा ही कुछ है, मैं नाइट में वॉक करके देखा था कैसा था वहाँ पे, तो लेट्स सी कैसा है यहाँ पे टिकट काउंटर। बस पहुँच गए हैं हम लोग टिकट काउंटर और देखता हूँ। ओके, तो टिकट ले ली है, 2000 सोम मतलब 18 से 20 रुपया, काफ़ी सस्ता है, बस जैसा ही है, बस में भी 2000 सोम था और मेट्रो में भी 2000 सोम है। कहीं पे भी उतरो A to Z, मतलब अगर A से बैठे हो तो B, C, D या Z उतरो, आपको एक ही किराया चुकाना है और काफ़ी हेल्पफुल है। यहाँ पे
टस्कन में रशियन अगर आपको आती है तो रशियन आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, रशियन काफ़ी रहते हैं और रशियन लैंग्वेज भी यूज़ होती है। लुक और क्या लग रहा है यार मेट्रो स्टेशन, दिस इज सोवियन कंट्रीज, कुछ अलग ही लग रहा है मुझे। लाइक नीचे की साइड आया हूँ, थोड़ा सा धीरे बात करता हूँ, यहाँ पे लोग ना काफ़ी धीरे बात करते हैं और हम इंडियंस थोड़ा सा एक बाय नेचर थोड़ा सा लाउड होता है वॉइस। प्लेटफॉर्म मेट्रो में ऐसा डिज़ाइन है, पूरा ग्लास तस्वीरें लगी हुई है और दो साइड प्लेटफॉर्म है, लग ही नहीं रहा है कि प्लेटफॉर्म है। मतलब अगर मैं यहाँ से यहाँ पे देख रहा हूँ ना तो ऐसा लग रहा है कि कोई मैं नीचे अंडरग्राउंड मॉल है वहाँ पे सबवे में वॉक कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही ऐसे मैं देखूँगा ना तो यहाँ पे रेल की पटरियाँ है, लाइक मेट्रो की पटरियाँ है। या सच में ऐसी कंट्री विजिट करने से काफ़ी सीखने को मिलता है और काफ़ी नया नया देखने को मिलता है। साउथ एशिया घुमा था, श्रीलंका दैन थाईलैंड वियतनाम सब नेपाल ऑल्सो लिटिल दुबई, तो वहाँ का पूरा एक माहौल अलग है और यहाँ पे अभी कजाकिस्तान का तो डिफरेंट पूरा एक कल्चर वाइब, लोग थे यहाँ पे डिफरेंट है। अलमाती तुर्किस्तान अभी ताशकंद, अभी मैं आके सफ़र करूँगा समरकंद बुखारा, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। Genuinely is good because they are just the first lay didn't work any time. तो फिलहाल अभी एक स्टेशन पहले आ चुके हैं, एक्चुअली एक स्टेशन बाद में आ गए, इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा था। बाजार का नाम तो सुना लेकिन समझ में नहीं आया, एप्लीकेशन में 3 स्टेशन लिख रहा था लेकिन 2 स्टेशन के बाद ही उतरना था। तो दिस काइंड ऑफ पट्टी और अंदर ब्रेड बनती है, तो ये वाला बिस्किट है, मुझे ये वाला बहुत पसंद आया था, पूरा मीट से भरा पड़ा है।